बहादुरगढ़ के सरकारी कार्यालयों में तैनात अधिकारी और कर्मचारी अपने काम को लेकर बिल्कुल भी संजीदा नहीं है। ना तो अधिकारी समय पर कार्यालय पहुंचते हैं और ना ही लोगों की समस्याएं निपटाते हैं। इस बात का खुलासा हुआ जब बहादुरगढ़ के SDM द्वारा सरकारी कार्यालय पहुंचकर औचक निरीक्षण किया गया। बहादुरगढ़ के SDM तरुण पावरिया ने बहादुरगढ़ नगर परिषद, जल आपूर्ति विभाग, खाद आपूर्ति विभाग और नागरिक अस्पताल आदि का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान कई विभागों में अधिकारी और कर्मचारी नदारद मिले, जिसकी गैरहाजिरी SDM साहब ने स्वयं लगाई और कर्मचारियों के खिलाफ कार्रवाई करने की भी बात कही। दरअसल पिछले लंबे समय से बहादुरगढ़ के लोगों को सरकारी कार्यालयों में काम करवाने के लिए काफी जद्दोजहद करनी पड़ती है। कभी अधिकारी लोगों को कार्यालय में नहीं मिलते तो कभी हेड ऑफिस में मीटिंग का बहाना बनाकर काम को टाल देते हैं। इसकी शिकायत लोग कई बार SDM साहब से कर चुके हैं। देखिए, हमारे पास आप लोगों के माध्यम से भी और हमारे मीडिया के साथियों के माध्यम से भी शिकायतें आती रहती हैं कि कर्मचारी अधिकारी अपने दफ्तर में समय पर नहीं पहुंचते हैं, तो उसी को ध्यान में रखते हुए आज सभी ऑफिसेज की चेकिंग की गई थी, जिसमें से नगर निगम में, पब्लिक हेल्थ में, यहाँ फूड एंड सप्लाई के ऑफिस में, इनमें काफ़ी अधिकारी नदारद पाए गए हैं, जिनकी लिस्ट आपको दे दी जाएगी कि वो कौन कौन है और उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।